गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप एकदम अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो अब हो चुकी है आफ्टरनून और मैंने कर लिया है सारा काम वगैरह ख़त्म, झाड़ पोछा वगैरह सब कुछ हो चुका है और अभी मैं जा रही हूँ नहाने। फिर नहाने के बाद बनाऊँगी रोटी शॉप पे ले जाने के लिए, क्योंकि आजकल रूटीन सारा चेंज हुआ पड़ा है। पहले उठ के मैं चाय नाश्ता करती थी, चाय नाश्ता करने के बाद फिर काम करती थी, काम करने के बाद फिर आराम करती थी, और अभी है कि काम करो और फिर शॉप पे जाओ, शॉप पे जाने के बाद वहाँ का काम करो। और चलो कोई नहीं, जब हम जॉब पे जाते थे तो पूरा दिन हमारा लगा रहता था, यहाँ पे तो कम से कम आधा दिन हमारा घर होता है, आधा दिन शॉप होता है, और ये भी एक जॉब ही है, और जॉब खाली बैठने से तो कुछ होगा नहीं, जॉब तो करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा ये सोचा था। लेकिन अभी हमने अपना काम करा है, अपने काम में डबल मेहनत करेंगे तो ज़्यादा ऊंचाई तक जाएगा। तो चलो अभी जल्दी से काम कर लेते हैं, रोटी मारती हूँ क्योंकि रोटी क्योंकि हम चले जाते हैं शॉप पे, फिर वहाँ से आने का मन ही नहीं करता है, और इसीलिए खाना वगैरह ले जाएंगे, भूख लगेगी वहीं पर खाएंगे। कल हम लोग गए थे सुबह 12 बजे से गए थे और शाम को 6 बजे आए थे। जो जा रहा है खाली हाथ जा रहा है, कुछ लेके नहीं जा रहा, और हम लोग वहाँ पे भूख लग रही थी, बाबू भी स्कूल से उसको ले लिया था, उसको भी भूख लग रही थी, तो फिर घर पे खाना था बट वहाँ पे कोई नहीं ले जा रहा था और कोई आ भी नहीं रहा था क्योंकि भाई गया सामान लेने और मम्मी को कुछ पता नहीं है, तो मुझे ही वहाँ पे रहना पड़ रहा था, तो इस वजह से। तो चलो आज मैं कल वाली गलती नहीं करूँगी, आज मैं खाना ले कर जाऊँगी और मन करेगा खा लेंगे। तो चलो फिर मिल लेते हैं। अभी हो गई हूँ मैं रेडी जाने के लिए शॉप पे, और इतने कपड़े अब मैं इसको डाल दूंगी, मैं छप्पर डाल दूंगी, उसके बाद चलते हैं शॉप पे, क्योंकि फिर पूरा दिन अब वही हो जाएगा, तो सारा कुछ काम निपटा के जा रही हूँ मैं। तो चलो ये रोटी बन गई, ये सब्जी पैक कर ली, और ये पे यहाँ पे गाय के लिए रोटी है, गाय को दे देंगे, तो जल्दी से इसको पैक कर लेते हैं और चलते हैं। सारा काम करके अब निपट गए हैं, आराम से बैठेंगे बेफिक्र होके। तो चलो चलते हैं फटाक से। और मैं निकल चुकी हूँ, मेरा खाने का थैला और चाबी, बाबू भी वहीं पे ही है, क्योंकि बाबू का जो रास्ता है वो दुकान, स्कूल का रास्ता है वो दुकान रास्ते में ही पड़ती है, और वहीं पर रहता है उसको, तो मले भले चले जाते। उसके तो बल्ले बल्ले हो गए, मज़े आ गए, स्कूल से आकर दुकान में बैठता है, खाना पानी सारा पहुंच जाता है, उसके लिए खाना लेके जा रहा है, खाएगा तो उसके बाद ट्यूशन जाएगा। तो चलो चलते हैं। खाना वगैरह खा लिया, बाबू गया खा, तो किचन का टाइम हो रहा था, और मैं बैठी हूँ, भाई भी गया किसी काम से, बाहर बैठी है और मैं अंदर बैठी हूँ, और मौसम देखो बेकार हो रहा है, बारिश का मौसम हो रहा है, तो मोस्टली टाइम हमारा ऐसे ही बीते करेगा, जाया करेगा। तो चलो देर बाद मिलते हैं, तो कस्टमर तो अभी इतने आते नहीं हैं, इतने कभी बच्चे वगैरह आ जाते हैं, अभी लोगों को पता नहीं है कि इस जगह वो शॉप है और देख रहे चलेगा। तो चलो देखते हैं कब तक चलते हैं, तो मिलते हैं। तो हमारा
हमारी शॉप का छोटू आ गया है। छोटू कपड़ा मार दो। छोटू हमने इसको दुकान पे छोटू रखा है, चाय कपड़ा वपड़ा मारता है, सफाई करता है और शुरू करता है शॉप को, है ना। देखिए मैं पूरा पिला रहा हूँ ना गाइस, ये देखिए आज सबसे महंगा पंखा। देखिए सबसे महंगा पंखा 100 रुपए का। इसमें ना छोटा कूलर होता है और इसमें ऐसे जमाने से ऐसे होता है। गाइस देखिए आप करना है ये मेरे को भी। और पीछे ये ना देखो गाइस, अब मुझे मिल गया। तुमको मिल लिए? हाँ मुझको, हाँ मिल लिए। ओ भाई इसको ना 10 रुपए का मोमोज दे दो। 10 रुपए का मोमोज दे दो इसको। मोमोज दे दो। लिया अभी हम मोमोज खाने जाएंगे। मैं घर आ चुकी हूँ और क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। कुछ करना नहीं होता लेकिन फिर भी थक जाते हैं। और हम लेके आए हैं सब ऊपर से बलून, बलून वहाँ पे रखे थे क्योंकि हमने डेकोरेशन की थी, तो ये बलून रखे थे। बाबू गया था लेके आ गया इनको, घर में इसका नाम सुनार दिया खेल खाल के। और तो चलो टाइम हो गया, खाना वगैरह खा लिया और अब सोते हैं क्योंकि सुबह का उठने का टाइम जल्दी हो गया, रूटीन चेंज हो गया और अभी 11 बजने वाले हैं। भाई भी शॉप पर से आएगा, खाना वगैरह सब कुछ बन चुका है, वो आएगा खाएगा और सो जाएगा। और मैंने काम कर लिया है, अब मैं चली थोड़ी देर फ़ोन चलाऊंगी क्योंकि शॉप पर चलाने नहीं मिलता है मुझको। अभी फ़ोन चलाऊँगी थोड़ा सा और ये वीडियो एडिट करूँगी, ब्लॉग डालूँगी। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छा लगा हो तो लाइक चैनल सब्सक्राइब। और अभी से कंटिन्यू वीडियो आएंगे, मेरी ब्लॉग आएंगे, आप लोग प्यार सपोर्ट जरूर दिखाना और शॉप पे भी दिखाना। अगर शॉप जो हमारे पास शॉप पे जो सामान है अगर आप लोगों को उसमें से कुछ भी ज़रूरत पड़े तो आप आके शॉप पे विजिट कर सकते हैं। वैसे मेरे को जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं वो मेरे जानने वाले हैं और कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, शॉप पे आके विजिट कर सकते हैं और सामान को परचेज कर सकते हैं। तो चलो फिर मिलते हैं अगली व्लॉग में, तब तक के लिए